पेट की परीक्षा जो सेकंड शिफ्ट में संपन्न हुई उसकी आंसर की लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्रम में भारत आए? तो ये जो क्रम दिया गया है इसमें सी आंसर सही होगा, सी आंसर सही होगा, पहले में सी, दूसरे में सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ? इसमें प्लासी का युद्ध है, बी सही होगा। तीसरा प्रश्न, हड़प नीति का कट्टर समर्थक था कौन था? डलहौजी था, बी ऑप्शन सही है। चौथा, भारतीय इतिहास में धनवंतरी कौन थे? धनवंतरी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले एक चिकित्सक थे, बी ऑप्शन सही है। पांचवा प्रश्न, मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगस्थनीज, ये ऑप्शन सही है। छठवां, साइमन कमीशन ये कब आया था? 1928 सही होगा इसमें। सातवां का ऑप्शन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया? इसमें जो सही ऑप्शन है वो लाहौर है, सेवंथ का बी, सेवंथ में बी होगा। मिलान करना है आठवें में, मिलान करना है, आठ का बी सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है, आप मिलान कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन, महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया कौन किया था? इसका उत्तर अभी हमको अप्राप्त है। आगे बढ़ते हैं, दसवां प्रश्न, क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, डी ऑप्शन सही है। नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है, 11वें का बी ऑप्शन सही है। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो 1953 में, बी ऑप्शन सही है, 1953। 13वां प्रश्न, भरतपुर स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है? इसमें सी सही होगा, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सी ऑप्शन सही है। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत, 14वें का ए सही है, दिल्ली राजहरा। दिए गए दर्रों उनके स्थानों का कौन सा जोड़ सही नहीं है? इसमें नहीं पूछ रहा है, इसमें 15 का ए ऑप्शन सही होगा, 15 का ए ऑप्शन सही है, ये सही नहीं है। 16वां प्रश्न, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? 16वें का सी, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। 17वां, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है कौन है? डी ऑप्शन सही होगा इसमें, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। 18वां, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? इसमें ए ऑप्शन सही है, तृतीयक। 19वां प्रश्न, भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन, बी ऑप्शन सही है। 20वां प्रश्न, आर्थिक सुधार 91 के दौरान प्रधानमंत्री, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, नरसिम्हा राव थे। 21वां प्रश्न, भारत संविधान में से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? तो ये क्या नहीं सम्मिलित है, ये क्वेश्चन अभी साल मिला नहीं है, इसका उत्तर बाद बताया जाएगा। 22वां प्रश्न, भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है, इसमें बी ऑप्शन सही होगा, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। 23वां प्रश्न, क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? 23वां, ये अभी उत्तर इसका अप्राप्त है। 24वां प्रश्न, भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों ग्राम पंचायतों का आयोजन के लिए निर्देश करता है? तो इसमें बी ऑप्शन सही है, अनुच्छेद 40।
पेशाओं पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? इसमें बलवंत राय मेहता कमेटी, ये ऑप्शन सही है। 26वां प्रश्न, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? जब स्विच बंद होती है तब होता है, बी ऑप्शन सही है। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? इसमें ओम होगा, बी ऑप्शन सही है। नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो साइट्रिक एसिड होता है, 28वें ए। कर्कट जनक रसायन होता है कैंसर से, सी ऑप्शन सही है, कैंसर। 30वां प्रश्न, त्वचा की ऊपरी सतह एपिडर्मिस कहा जाता है, बी ऑप्शन सही है। इसमें एपिडर्मिस, अधिचर्म। 31वां प्रश्न, गणित का प्रश्न है 31वां, तो ये जो हल किया गया है इसमें ए ऑप्शन सही होगा, 1 आएगा इसमें, 1 आएगा। 32वां प्रश्न, इसमें हल करने पर 300 ऑप्शन होगा, इसमें भी ए सही है, 300 आएगा। 33वां प्रश्न, 19/32 आएगा इसमें, सी ऑप्शन सही है, 19/32। 34वें की तरफ हम बढ़ते हैं, 34वां का जो सही आंसर है वह डी है, 10.8, डी ऑप्शन सही है, 10.8। इसके बाद 35वां प्रश्न, इसमें 47 आएगा, ये ऑप्शन सही है, 47 मिलान कर सकते हैं आप। 36 में तीक्ष्ण का डी होगा, कुंठित, गजवदन, गणपति, सी ऑप्शन सही है, गणपति। कांटों से भरा हुआ कंटका कीर्ण, डी ऑप्शन सही है, कंटका कीर्ण। दूध का दूध, पानी पानी, उचित निर्णय, डी ऑप्शन सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इसमें बहिष्कार सी होगा, सी ऑप्शन सही है, बहिष्कार। 41 से 43, ये इंग्लिश का है, 41 का डी ऑप्शन सही है, 41 का डी। 42 का सी ऑप्शन सही है, 42 का सी। 43 का बी ऑप्शन सही है, क्लाइंबिंग इंटूबेट, बी ऑप्शन सही है। 44 में सी ऑप्शन सही है, डिग्निटी। 45 के ए ऑप्शन सही है, डल एंटोनिम पूछा है, इसमें ए ऑप्शन डल होगा। 46 में रीजनिंग का प्रश्न है, 46 इसमें सी ऑप्शन सही होगा, मच्छर का मलेरिया से संबंध होता है। 47 में बी ऑप्शन सही होगा, सूरबीर उचित समूह जो सूरबीर होगा, बी ऑप्शन सही है। 48वें में बी ऑप्शन सही होगा, कूट का मिलान करना है, आप मिलान कर सकते हैं, बी ऑप्शन सही है। 49 में डी ऑप्शन सही है, वाहन होगा इसमें, 49 में डी, इसमें वाहन आएगा, संबंध का प्रश्न है, मिलान आप कर सकते हैं। 50वां प्रश्न में ए ऑप्शन सही होगा, रविवार आएगा, ये ऑप्शन सही है। 51 का सी होगा, राजस्थान, 51 का सी। 52 का प्रश्न, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, ये ऑप्शन सही है। 53 का सी, आयुष मंत्रालय,
तिरपन का सी, बावन का ए, बावन का ए, मास्टर कार्ड। आरबीआई 22 जुलाई 2021 में किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने प्रतिबंध लगा दिए, तो इसमें मास्टर कार्ड होगा, तिरपन का सी होगा, आयुष 54। 54 में क्या सही होगा, टोक्यो पैरा ओलंपिक। ये विवादित प्रश्न है, भारतीय ध्वजवाहक का नाम इसमें दिया गया है, वैसे ऑप्शन के हिसाब से मरियम थंगवेलु ये सही ऑप्शन है, मरियम थंगवेलु, लेकिन आपको बता दें कि ये कोविड पॉजिटिव हो गए थे, इनको फिर हटा दिया गया था, नामित तो इनको किया गया था, बाद में हटा दिया गया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से बी ऑप्शन सही होगा। 55 पे हम आते हैं, 55 में 7.6% ए ऑप्शन सही है, 7.6% सुकन्या पर ब्याज दर मिलता है। 56 पे सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम विद्या बालन के नाम से, डी ऑप्शन सही होगा, विद्या बालन के नाम से। 57 का डी ऑप्शन सही होगा, इसमें जापान आएगा, सबसे अच्छा पासपोर्ट, शक्तिशाली पासपोर्ट माना जाता है जापान का। तमिलनाडु विधानसभा में विजित पार्टी AIDMK, इसमें सी ऑप्शन सही है, ADMK। 59 नंबर का प्रश्न, इसमें आइसलैंड होगा, सबसे शांति वाला सूचकांक 21, आइसलैंड। 60 नंबर का प्रश्न, 60 का ए होगा, तेलंगाना, दलित सशक्तिकरण योजना तेलंगाना में लागू हुई। 61 का बी होगा, भूटान, थंडर ड्रैगन भूटान को कहा जाता है। 62 में सी होगा, सऊदी अरब, रियाद राजधानी सऊदी अरब। 63 प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, गोवा सबसे छोटा राज्य। राज्यसभा चुने गए सदस्यों कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, सी ऑप्शन सही है। 65 विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में है, बी ऑप्शन सही है। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो ये मध्य प्रदेश में है, खजुराहो मध्य प्रदेश। नवकाली 1200 इनमें से किस राज्य से संबंधित है, 68 नंबर का प्रश्न, 68वां, इसमें उड़ीसा का है, डी ऑप्शन सही है। हरित गृह गैस नहीं है, नाइट्रोजन, बी ऑप्शन सही है। 69 का बी। 70 अर्जुन पुरस्कार खेल से संबंधित उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, सी ऑप्शन सही है। 71 नंबर का प्रश्न, ये गद्यांश का श्रेणी का मतलब है प्राप्त करने योग्य, ये ऑप्शन सही है। 72 में डी ऑप्शन सही होगा, महात्मा गांधी ने नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, डी ऑप्शन सही होगा इसमें। 73 का बी ऑप्शन सही है, विशेषता बताने के लिए है, ये बी ऑप्शन सही है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। 74 नंबर, सभी धर्मों का आदर करना, ये सही होगा। 75 कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था, तो 75 में डी सही होना चाहिए, जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया था। इसके बाद 76 से 80 के बीच हम देखते हैं गद्यांश, 76 से 80, 76 में ए सही होगा, सृष्टि का अलग रूप माना गया, क्योंकि मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, वैज्ञानिक दृष्टि की अपेक्षा अभाव होता है। 77वां प्रश्न, साहित्य शास्त्री में मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है, क्योंकि क्यों कहा गया है,
सी ऑप्शन सही होगा। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। 79 शल चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। इसमें हमारे हिसाब से अंग प्रत्यारोपण सी ऑप्शन सही होगा। 79 अस्सी प्रश्न, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय का क्या अर्थ होता है? स्वस्थ, निरामय का स्वस्थ। 81 नंबर पर बढ़ते हैं। 81 से 85, ये उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। 81 में बी होना चाहिए, बी 2015-16। 82 उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि, 82 नंबर प्रश्न में ये सही होगा, 2013। 14 तीन वर्ष दौरान औसत उत्पादन था 83 में सी होगा, 48 एम टी। 84 सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष किस वर्ष में है, उसको पढ़ने पता लगेगा। 84 का बी आएगा, 2014-15 बी ऑप्शन सही है। 85 में ए ऑप्शन सही होगा, 31.8%। 86 वाले में जो सही आंसर है वो 33.3, बी ऑप्शन सही होगा, 33.3। 87 में डी ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन सही है। 88 में सी सही होगा, 2 आएगा, 88 में 2 आएगा। 89 में सी सही है, इसमें 89 में सी, 89 में सी के बजाय बी 2 आएगा। 90 वाले क्वेश्चन में इसका आंसर अभी हमको प्राप्त नहीं हुआ है। 91 की तरफ बढ़ते हैं। 91 में बी ऑप्शन सही है, 7:9 बी ऑप्शन सही है। 92 में सी, 44.44 सी ऑप्शन सही है, 44.44। 93 में ए सही होगा, 44.33। 93 में 44.33 ए ऑप्शन सही है। 94 में भी ए 29.1 होगा। 95 में सी होगा, 5.25 सी ऑप्शन सही है। 96 की तरफ बढ़ते हैं। 96 में सी होगा, दालें। और 98 2010-11 से 2016-17 के अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन 98 का बी होगा, 293.86 टन। और इसके बाद 99 वाला क्वेश्चन, इसमें जव आएगा, ए ऑप्शन सही है। और लास्ट क्वेश्चन 100, इसमें डी ऑप्शन होगा, 1.90। तो ये जो सीरीज में 100 प्रश्न आए थे इसका हल हम लेकर प्रस्तुत हुए। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।